हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे सिविल 3D सॉफ्टवेयर में कैसे डिजिटल एलिवेशन मॉडल आपका होता है और उस फाइल से कैसे हम कंटूर मैप क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल का टीफ फाइल है, जो आपका जियो टीफ है, एक रास्टर फॉर्मेट है, और इस रास्टर फॉर्मेट फाइल से कैसे कंटूर जनरेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, उस आपका टीफ फाइल या डिजिटल एलिवेशन का जो भी फाइल है, तो उस फाइल को आपको सिविल 3D का डेटाबेस के साथ अटैच करना पड़ेगा और फिर मैप में ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सिविल 3D में टास्क प्लान, उसमें आपको डेटा में जाना है और फिर आपको कनेक्ट टू डाटा, और फिर आपको यहाँ पे आपका फॉर्मेट चूज करना पड़ेगा किस टाइप का आपका डाटा है। जैसे मेरे पास फिलहाल रास्टर डाटा है, एक टीफ फॉर्मेट है, टीफ फाइल है, तो यहाँ पे ऐड टू रास्टर इमेज को चूज करता हूँ और फिर आपको यहाँ पे ब्राउज करके आपका जो डाटा है वो चूज़ करना पड़ेगा। तो मेरा डाटा ये dem.tif फाइल है और इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो कनेक्ट किया और फिर आपको जाना है मैप, ऐड टू मैप। तो ऐड टू मैप करने से ये डाटा आपका सिविल 3D के अंदर विजिबल हो जाएगा, अटैच भी हो गया है। तो ये आपका डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो था टीफ फॉर्मेट पे, वो आपका यहाँ पे अटैच हो गया। अभी इस डाटा से हमें कंटूर जनरेट करने के लिए आपका टास्क प्लान में ये जो डेम फाइल है इसको आप सिलेक्ट कीजिए और फिर आपके यहाँ पे ऑप्शन आएगा, मेन्यू आएगा कंट्रोल लेयर। तो कंट्रोल लेयर ऑप्शन पे जाना है और फिर आप यहाँ पे कंट्रोल लेयर भी डिफाइन कर सकते हैं, कौन सी लेयर में आपका कंट्रोल बनेगा। आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, फिर आप इस जगह पे कंट्रोल के इंटरवल दे सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मेजर कंट्रोल को सेग्रीगेट करना चाहते हैं उसका भी इंटरवल दे सकते हैं। तो मैं फिलहाल इस जगह पे 100 ही इंटरवल दे देता हूँ। बेसिकली एक आपका हिली एरिया है और बहुत आपका लार्ज एरिया आपका डाटा है, और फिर आप यहाँ पे चूज़ भी कर सकते हैं कि आपका जो कंटूर ऑब्जेक्ट बनेगा वो आपका पॉलीलाइन फीचर्स में बनेगा या पॉलीगॉन फीचर्स में बनेगा। तो मैं यहाँ पे पॉलीलाइन फीचर्स देता हूँ, और फिर आपका जो कंटूर लेयर बनेगा उसका एक HDF मैप भी आपका क्रिएट होता है। तो HDF मैप आप अगर लोकेशन चेंज करना चाहते हैं या आप दूसरी जगह पर सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं सेम डायरेक्टिव HDF फाइल को भी सेव करता हूँ। तो HDF फाइल बेसिकली क्या होता है कि HDF फाइल भी आप एक्सटर्नल डाटाबेस के हिसाब से कभी भी आप अटैच करते हैं टास्क प्लान की मदद से। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपके यहाँ पे कंटूर जो लेयर है वो क्रिएट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटूर यहाँ पे मेरा जनरेट हो गया है। अगर मैं इस जगह में टेम फाइल को विजिबिलिटी ऑफ करता हूँ तो इस जगह पर आप देख सकते हैं कि ये आपका कंटूर लेयर बन गया, कंटूर यहाँ पे बन गया है। तो अभी ये जो कंटूर बन गया है, ये कंटूर आपका अगर सेव करेंगे, आपको इस ड्राइंग को सेव करेंगे तो ये सिविल 3D का फॉर्मेट पे रहेगा। अगर आप डायरेक्टली इस कंटूर लेयर को ऑटो कैड में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑटो कैड के लिए अलग ड्राइंग भी इसमें बना सकते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपका टास्क प्लान में कंटूर डेम कंटूर बोल के एक आपका एडिशनल फाइल बन गया है। आपको इसको सिलेक्ट करना है और फिर आपको जाना है मैप पे, और मैप जाने के बाद सेव एज ऑटो कैड ड्राइंग, तो इस ऑप्शन पे गए और आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, मैं डेस्कटॉप में उसी जगह पे इसको सेव कर देता हूँ कंटूर नाम से, और ये आपका बनेगा एक आपका DWG फाइल, और फिर इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद ये आपका एक ड्राइंग फाइल बन जाएगा। और उसके बाद अगर कोई भी ऑटो कैड का वर्सन है तो उस जगह पे भी उस ड्राइंग को ओपन करेंगे, क्योंकि ये आपका DWG फाइल बना दिया है। और यहाँ पर करते हैं तो ये मेरा कंट्रोल यहाँ पे आ गया है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा कंट्रोल यहाँ पास बन गया है। तो इसी तरीके से आपके पास अगर कोई डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो भी आपका टीफ फॉर्मेट पे या रास्टर फॉर्मेट पे है, तो उससे भी आप सरफेस के एनालिसिस करके आप कंट्रोल यहाँ पे बना सकते हैं। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।